सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। यद्यपि आप दर्शन के ही विद्यार्थी हैं, मैं भी दर्शन की ही विद्यार्थी हूँ, तो भी इसमें पीएचडी के हिसाब से जो अपना सिलेबस लगा है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय रहेगा दर्शन शब्द का अर्थ क्या है, दर्शनों का वैशिष्ट क्या है, क्या विशेषता है, दर्शनों का परस्पर संबंध क्या है, दर्शनों में समन्वय है या नहीं है, इनके भाष्यकार कौन है, दर्शन पढ़ने का क्रम क्या है, इन दर्शनों का नामकरण जो किया है उनकी क्या सार्थकता है, उनके नामकरण के ऊपर विचार करेंगे, उनका उद्देश्य क्या है, दर्शन क्यों बनाई गई, और इन दर्शनों में प्रतिपादित विद्या जो है वो कौन सी विद्या है। तो यद्यपि दर्शन जो है वो दो प्रकार के दर्शन आजकल प्रचलन में है, वास्तव में तो दर्शन एक ही होता है। तो आज हम वैदिक दर्शन के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जो दर्शन विषय है ये मेरा बहुत प्रिय विषय है। प्रिय इसलिए है कि बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, जैसे मान लो कोई व्याकरण पढ़ता है तो उसमें 5-6 वर्ष वो व्यक्ति व्याकरण पढ़ता है, उसके बाद यदि उसको पढ़ाना पड़े तो ठीक है, वो उपयोग में आता है। और यदि उसको पता लगे कि व्याकरण पढ़ने के बाद अब स्वामी जी महाराज ने लगा दिया संगठन की सेवा में, तो फिर वहां व्याकरण काम नहीं आएगा। पता लगा कि व्याकरण पढ़ने के बाद महाराज जी ने लगा दिया कहीं मैनेजमेंट में, ठीक है, उसका बुद्धि का जो विकास हुआ वो तो हमेशा काम आएगा, लेकिन वहां पर वृद्धि राधेच और अदेंगुण कहीं भी काम नहीं आएगा जीवन में। ऐसे ही कोई व्यक्ति मैथ्स पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, कोई भी विद्या है, उस फील्ड में काम करें तो वो काम आती है। उस फील्ड से अदर फील्ड में जाएं तो ठीक है, उसके अनुभव, उसकी नॉलेज अपने पास रहती है और उससे जो हमारा आंतरिक विकास हुआ वो भी हमारे साथ रहता है, लेकिन उस विद्या का बिल्कुल हूबहू ऐसा सदुपयोग नहीं होता है। लेकिन दर्शन ऐसा विषय है, आप किसी भी फील्ड में जाएं, आप संगठन का काम करें, आप अध्ययन अध्यापन का काम करें, आप कहीं एकांत में बैठे हैं, आप मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, आप भाषण प्रवचन कोई भी काम कर रहे हैं, आप भले ही वो सामाजिक कार्य है, भले ही वो आध्यात्मिक कार्य है, भले ही वो व्यक्तिगत कार्य है, ये दर्शन विद्या हमें पद पद पे काम आती है, सहारा देती है। तो सबसे पहले दर्शन शब्द का अर्थ क्या है, तो आचार्य रजनीश जी बताएंगे, क्योंकि आप दर्शन के विद्यार्थी हैं, तो इसका अर्थ क्या है दर्शन शब्द का, दर्शन किसे कहते हैं, दृश्यते अनेन इति दर्शन, जिसके द्वारा दिखाया जाए या जिसके द्वारा देखा जाए, तो किसके द्वारा देखा जाए और क्या देखा जाए,
आप स्पष्ट कीजिए, किसके द्वारा देखा जाए और क्या देखा जाए? भारतीय दर्शनों के परिप्रेक्ष्य में तो मोक्ष के जो साधन है वो हमें देखते हैं और ईश्वरी सत्ता देख सकते हैं। और किसके द्वारा देख सकते हैं? वो परमाणु के द्वारा और अपने साथ। नहीं नहीं, आपने कहा दृश्यते अनेन, अनेन केन है? प्रमेय तो वो है जिसको हमें जानना है। आपने जो डेफिनेशन की दर्शन की, दृश्यते अनेन, अनेन केन, किस से देखा जाए और किसको देखा जाए? प्रमाण से देखना है, प्रमेय को देखना। हाँ जी आचार्य प्रतिम जी, प्रमाणों के द्वारा ठीक ठीक देखा जाए। तो फिर तो प्रमाण दर्शन हो गए। जो चार प्रमाण है आपने जो डेफिनेशन दी उसके अनुसार तो केवल दर्शन हो गए। प्रत्यक्ष आप कितने प्रमाण मानते हैं? दो मानते हैं, तीन या चार? चारों मानते। तो चार प्रमाण ही दर्शन हुए आपके अनुसार, तो फिर चार प्रमाण ही दर्शन है। प्रमाणों के द्वारा जितनी वस्तुएं अनित्य वस्तु, अनित्य अनित्य वस्तु, अनित्य देखना ये दर्शन? नहीं नहीं, आपकी जो परिभाषा है दृश्यते अनेन, तो मैंने पूछा अनेन केन, तो आपने कहा प्रमाणेन, तो प्रमाण ही दर्शन है। दृश्यते अनेन इति दर्शन, ऐसे आपने कहा। हाँ जी जी, विवेक की दृष्टि से। तो इसका उत्तर ये है, केवल प्रमाण दर्शन नहीं है, प्रमाण दर्शन का एक पार्ट है। बैठिए आचार्य जी। दृश्यते अनेन माने अनेन केन, जिस भी विधा से। दर्शन का मतलब ये नहीं है कि इस पुस्तक के द्वारा आप उसको देख पाएंगे। पुस्तकें कभी किसी सत्य को नहीं दिखाती। बैठ बैठ, जिस प्रक्रिया से, जिस विधा से, जिस लाइफस्टाइल से, जीवन की पद्धति से देखा जाए। देखा किसको जाए? देखने का मतलब क्या है? देखने का मतलब है सत्य की समग्रता का अंतिम दर्शन, जो समग्र सत्य है, एक टुकड़े वाला सत्य नहीं। सत्य की समग्रता का जो पराकाष्ठा है, जो अंतिम दर्शन है, वो जिस विधि से हमें जानकारी में आए, हमारी नॉलेज में आए, वो दर्शन है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कर्म योग के द्वारा, उसने पातंजलि योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय, वैशेषिक मीमांसा कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन उसने अपने कर्म को ऐसा बना लिया है कि मेरा कर्म ही मेरी पूजा है, और वो व्यक्ति उसको जीता है, तो ये पद्धति उसको सत्य का दर्शन करवा देगी। तो इस व्यक्ति के जीवन में दर्शन क्या हो गया? कर्मयोगी दर्शन है। किसी के यहाँ भक्ति ही दर्शन है, तो कहते ना भाई ये तो मेरा दर्शन है, ये तो मेरा सिद्धांत है, ये मेरा प्रिंसिपल है। किसी ने सत्य को ही एक विधा बना लिया कि मेरे जीवन में सत्य के अतिरिक्त और कुछ भी घटित नहीं होगा, तो ये सत्य ही उसको समग्र सत्य का दर्शन करवा देगा। तो ये दर्शन शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर मनुस्मृति का एक श्लोक महर्षि दयानंद ने कोट किया है, सम्यक दर्शन संपन्नः कर्म भी न निबध्यते, दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते। ये मनुस्मृति का श्लोक है और महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि में इसको उद्धृत किया है। इसका अर्थ है सम्यक दर्शन संपन्नः, जो सम्यक दर्शन से संपन्न है। सम्यक दर्शन माने सम्यक ज्ञान उसको है। अगर महर्षि दयानंद के शब्दों को मैं हूबहू पढूं तो उन्होंने, क्योंकि सन्यास परंपरा में, सन्यास संस्कार में इसको उद्धृत किया है, तो सन्यास के साथ जोड़ दिया उन्होंने, जो सन्यासी यथार्थ ज्ञान वह षड दर्शनों से युक्त है, वह कर्म भी न निबध्यते। तो कर्म का अर्थ इन्होंने कहा है दुष्ट कर्म, वह दुष्ट कर्मों से कभी भी बद्ध नहीं होता है। यथार्थ ज्ञान से और षड दर्शनों से जो युक्त है, ऐसा उन्होंने कहा।
और जो ज्ञान, विद्या, योगाभ्यास, सत्संग, धर्मानुष्ठान व षड दर्शनों से रहित विज्ञानहीन होकर संन्यास लेता है, वह संन्यास पदवी को प्राप्त होकर जन्म मरण रूपी संसार को प्राप्त होता है। माने जो संन्यास लेता है, क्योंकि यहाँ तीन तो सन्यासी भी हैं, तो ये कह रहे हैं संन्यास की पदवी वो पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएगा जिसको षड दर्शन का ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान का मतलब यहाँ पर केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं, बल्कि उसको जीवन में, जिस सन्यासी के जीवन में ये ज्ञान नहीं है, तो ये नहीं उसको मोक्ष को प्राप्त कर पाएगा। तो समग्रता को यथार्थ रूप में जो कहने वाला है वो दर्शन है, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब प्रश्न है कि ये दर्शनों की रचना कब हुई, तो इसका कोई बहुत प्रामाणिक तो नहीं मिलता है, लेकिन जो इनके कुछ प्रसंगों को देख करके जो कल्पना की जाती है और कुछ अन्य ग्रंथों से भी जो इनका मिलान होता है, तो उससे पता लगता है कि लगभग 5000 वर्ष पहले जो गीता का काल है, महाभारत का काल है, वही लगभग दर्शनों का काल है। अब इनका संक्षिप्त में इनका स्वरूप क्या है, तो संक्षेप में इनका स्वरूप यदि कहें तो प्रत्येक दर्शन का जो प्रथम 5 सूत्र हैं उसमें उसका स्वरूप प्रतिपादित किया है। जैसे योग दर्शन का भी, सांख्य का भी, सभी दर्शनों के जो प्रथम 5 सूत्र हैं उसके आगे फिर उन्हीं 5 सूत्रों की विस्तार से व्याख्या की गई है। भारतीय संस्कृति या वैदिक वाङ्मय से संबंध रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति 6 दर्शनों या षड दर्शनों के नाम से परिचित होता है, क्योंकि ये दर्शन वेद को प्रमाण मानते हैं, इसलिए इनको वैदिक दर्शन कहते हैं। वैदिक दर्शन, पाश्चात्य दर्शन, ऐसे दो विभाग किए ना, तो इनको वैदिक दर्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 6 दर्शन वेद को परम प्रमाण मानते हैं, इसलिए इसको वैदिक कहते हैं। ये कहते हैं वेद ही अंतिम प्रमाण है, और इस बात को मीमांसा में बहुत अच्छे से सिद्ध किया है कि वेद ही प्रमाण क्यों है। अब है कि इनमें समानताएं क्या हैं इन 6 दर्शनों में, क्योंकि कुछ लोगों का ये है कि इनका परस्पर विरोध है, एक दूसरे से इनके सिद्धांत मेल नहीं खाते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं और इनमें परस्पर अत्यंत समन्वय है। तो कुछ चीजें जो हैं वो हम यहाँ विचार कर सकते हैं कि इनमें क्या क्या समानताएं मिलती हैं। तो सभी जो 6 दर्शन हैं, तो इनके शुरू में कोई एक विशिष्ट प्रकार का मंगलाचरण नहीं है, इन सभी का प्रारंभ या तो अथय शब्द से होता है, या तो अथय भी नहीं लगाया, जैसे न्याय दर्शन में अथय भी नहीं लगाया है, वेदांत में लगा दिया है, योग दर्शन में लगा दिया है, मीमांसा में लगा दिया है, तो वहां ये तीनों में अथय शब्द से शुरुआत होती है, तो ये समानता है उसकी वैशेषिक में भी। दूसरा है कि सभी जो 6 दर्शन हैं, शास्त्र हैं, तो इनमें शुरू में ही 5 सूत्र भी मैंने ज्यादा ही बोल दिए, यद्यपि 2 या 3 सूत्रों में ही पूरे दर्शन का प्रतिपाद्य विषय क्या है तो ये स्पष्ट कर देते हैं, तो ये सबकी समानता है। जैसे हम मीमांसा की बात करें तो अथ धर्म जिज्ञासा, तो ये स्पष्ट कर दिया अपना प्रतिपाद्य विषय कि इस शास्त्र में हम धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। हम वैशेषिक की बात करें तो अथ धर्मम व्याख्यास्याम, अब हम धर्म की व्याख्या करेंगे इस शास्त्र में। अथ योगानुशासनम, हम इस शास्त्र में योग के अनुशासन का वर्णन करेंगे। तो पहले ही सूत्र में ये अपने प्रतिपाद्य विषय को स्पष्ट कर देते हैं। ऐसे न्याय में 16 पदार्थ, इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से निस्त्रेष की प्राप्ति होती है, तो ये समानता है इनमें। 6 दर्शनों में उद्देश्य कथन के बाद उनका लक्षण बताया है और फिर उसकी परीक्षा की गई। 6 दर्शनों की यही पद्धति है। पहले उद्देश्य नहीं कह रही हूं, उद्देश्य,
पहले ये उद्देश्य माने कथन करते हैं किसी चीज का, फिर उसका लक्षण बताते हैं और फिर उसका परीक्षण करते हैं। छहों दर्शनों की यही पद्धति है, तो ये समानता है इनमें। सभी शास्त्रों की शैली एक ही जैसी है और वो शैली क्या है, सूत्र शैली है। माने अपनी बात को ये संक्षेप में सूत्र रूप में कहते हैं ऋषि, यही शैली है, विस्तार में नहीं कहते हैं। यद्यपि इन सभी ऋषियों के शब्द सरल हैं लेकिन भाव अत्यंत गंभीर हैं और अत्यंत विराटता को लिए हुए हैं। सभी शास्त्र अपने प्रधान विषय का परिज्ञान करने के साथ साथ अन्य जो उप विषय हैं उसका भी ये परिज्ञान करवाते हैं, थोड़ा थोड़ा दूसरा ज्ञान भी करवाते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति आती है निरुक्त में, भूयो विद्या प्रशस्यो भवति, बहुत जानने वाला जो है वो प्रशस्य होता है, प्रशंसनीय होता है। तो ये अपना प्रतिपाद्य विषय तो बताते ही हैं, उसके साथ आगे वाले का पीछे वाले का भी थोड़ा थोड़ा जिक्र कर देते हैं। तो इससे पता लगता है कि इस ऋषि को अन्य ऋषियों के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में इनको जानकारी भी है और ये उसका सम्मान भी करते हैं। अगली विशेषता है, इनकी समानता है कि सब वेद को प्रमाण मानते हैं, और वैशेषिक में तो विशेष रूप से ही कह दिया आमनायस्य है ना, तो वो वहां पर ही पढ़ेंगे हम। सभी छह शास्त्रों में किसी भी शास्त्र के प्रणेता ऋषि का नाम नहीं है, लेखक का नाम नहीं है। तो ये समानता है, कितने वो निरभिमानी होते थे, ना तो कहीं सूत्र में उन्होंने ऐसे इंगित किया है। आजकल तो व्यक्ति जब कोई कविता बनाता है ना तो उसमें भी अपना नाम लिखता है कि स्पष्ट हो जाए ये कविता ये गीत किसने बनाया, या कोई लेख लिखता है तो भी ऊपर नाम होता है। लेकिन ये हमारे ऋषि कितने निरभिमानी थे, कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलेगा उनके नाम का। अन्यों का तो मिल जाता है उनके सूत्रों में, दूसरों का तो मिल जाता है पर अपना नहीं मिलता है। तो मतलब वो अपने आप को श्रेय नहीं देना चाहते थे। एक जो ऋषियों की जो परंपरा है ना उसके वो संवाहक थे, और ये परंपरा हमारी इन छह ऋषियों में नहीं बल्कि महर्षि दयानंद पर्यंत ये चली। महर्षि दयानंद ने भी कहा कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो मेरा अपना कुछ भी नहीं है, वो ब्रह्मा से लेकर के और जैमिनी पर्यंत जो ऋषियों ने कहा वो ही मैं कह रहा हूँ, वही मेरा कथन है। तो ऐसे ही इन ऋषियों में भी ये निरभिमानिता थी। सभी दर्शनों में जो सूत्रों की रचना है उसको बहुत ही विचार पूर्वक देखेंगे तो ये पता लगेगा कि सूत्रों को नित्य और कालातीत रूप से लिखने का प्रयास किया है। माने जो सूत्र हैं वो उस समय जितने सत्य थे उतने ही आज भी सत्य हैं और उतने ही सदा के लिए सत्य रहेंगे। तो सूत्र उस काल से संबंध नहीं रखते हैं बल्कि नित्य हैं वो सूत्र और कालातीत हैं वो, उनका भूत भविष्य या वर्तमान से किसी एक काल से संबंध नहीं है बल्कि वो त्रिकाल में समान सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने सभी दर्शनों में, तो ये समानताएं हैं। एक दूसरे के पूरक हैं, छहों दर्शन एक दूसरे के पूरक के रूप में लिखने का प्रयास किया गया है। माने इससे पता लगता है कि लगभग लगभग समकालीन थे, और जिस ऋषि ने जिस दर्शन को जिस विद्या को प्रतिपादित किया उसने पीछे वाले ऋषि की विद्या का सम्मान भी किया और उसको स्वीकार भी किया, इसलिए उसको दोबारा लिखा नहीं उन्होंने, उससे आगे उन्होंने कहना प्रारंभ किया। तो ये क्रमबद्धता, ये इनका वैशिष्ट्य है दर्शनों का, ये विशेषता है, एक क्रमबद्धता उसमें बनी हुई है। तो ये इतनी सारी इनमें मौलिक समानताएं हैं। अब इनका क्रम क्या है और इनके भाष्यकार कौन कौन हैं? तो इसमें जो छह दर्शन हैं इसमें सबसे पहले जो पढ़ने का है वो है पहले मीमांसा, उसके बाद वैशेषिक, तीसरे नंबर पे न्याय दर्शन, चौथे नंबर पे योग दर्शन और पांचवें नंबर पे सांख्य दर्शन,
और सबसे लास्ट में वेदांत, ये इनका क्रम है। और ये महर्षि दयानंद ने भी ऐसे ही बताया, जो वेद के उपांग के रूप में इन षड दर्शनों को, महर्षि दयानंद को टाइम नहीं मिला, नहीं तो उनकी बहुत रुचि थी इनमें। उनके एक दो जगह जो उन्होंने उद्धरण दिए हैं तो उससे भी पता लगता है, जैसे सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में 47 नंबर पृष्ठ पे उन्होंने इसका वर्णन किया है। ऐसे संस्कार विधि में जो वेदारंभ विधि है उसमें पृष्ठ 144 पे उन्होंने इसको उद्धृत किया है इनको। तो जो इन्होंने ये वेदारंभ में लिखा है ना, उसको मैं एक बार पढ़ रही हूँ। तो उसको कह रहे हैं, तत्पश्चात जैमिनी मुनिकृत सूत्र रूप पूर्व मीमांसा को व्यास मुनिकृत व्याख्या सहित, कणाद मुनिकृत वैशेषिक सूत्र रूप शास्त्र को गौतम मुनिकृत प्रशस्त पाद भाष्य सहित, वात्स्यायन मुनिकृत भाष्य सहित, गौतम मुनिकृत सूत्र रूप न्याय शास्त्र को व्यास मुनिकृत भाष्य सहित, और पतंजलि मुनिकृत योग सूत्र योग शास्त्र को व्यास मुनिकृत भाष्य सहित, और जैमिनी और बोधायन आदि मुनिकृत व्याख्या सहित व्यास मुनिकृत शारीरिक सूत्र अर्थात वेदांत शास्त्र, इन 6 शास्त्रों को 2 वर्ष के भीतर पढ़ लेने। तो इनका क्रम भी यहाँ पर बताया है किस क्रम से पढ़ना चाहिए, और उसका टाइम भी बता दिया कि 2 वर्ष में इसको पूरा कर लेना चाहिए। तो इसमें इनका यही क्रम क्यों है, इसके बारे में भी अभी हम विचार करेंगे। तो पहला जो है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा का जो पहला ही सूत्र है तो वहां पर कहा है अथ धर्म जिज्ञासा। अथ का मतलब है अब इसके बाद, इसके बाद मतलब जिस समय ये दर्शन की रचना हुई उससे पहले क्या प्रचलित था उसके बारे में इस व्यक्ति को जानकारी है। उस समय ये प्रचलित था कि वेदों की जो विद्या है वो उसमें जटिलता आ गई है, वो सीधा सीधा श्रुति परंपरा जो है वो समाप्त हो गई है, और लोगों का जीवन जो है वो ना तो वैदिक धर्म के अनुसार रहा और ना कोई अन्य धर्म उनके सामने है। तो कुछ तो ऐसा जिज्ञासा की जाए, कुछ ऐसी जिसको कहते हैं ना शॉर्टकट आज की भाषा में, कि कुछ ऐसी जीवन की पद्धति अपनाई जाए कि जिससे जीवन हमारा नीचे की तरफ ना जाए। तो अथ धर्म जिज्ञासा, तो जब हमें किसी अच्छे मार्ग पे चलना होता है, कोई उपलब्धि करनी होती है, तो उसका सबसे पहला उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है जिज्ञासा। यदि व्यक्ति की जिज्ञासा ही नहीं है तो फिर तो उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। तो यहाँ उन्होंने कहा अथ धर्म जिज्ञासा, भाई धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, धार्मिक जीवन होना चाहिए हमारा। तो फिर उसको लेकर के पहले उन्होंने हमारा जो स्थूल जो धर्म है जीवन के उनकी चर्चा की, कि सुबह सुबह उठ करके पहले यज्ञ हवन करना चाहिए, दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, पूरा दिन कैसे होना चाहिए, उस सब की व्याख्या की है, स्थूल धर्मों की व्याख्या की है। उसको कर्मकांड का विषय भी कहते हैं मीमांसा को। और उसके बाद फिर वैशेषिक दर्शन में उन्होंने कहा अथ धर्मम व्याख्यास्यम है, जो सामान्य रूप से धर्म की व्याख्या की थी पूर्व मीमांसा में, अब यहाँ उसके विशेष धर्म की व्याख्या करेंगे। साधर्म और वैधर्म से, किसी भी पदार्थ के साधर्म और वैधर्म को लेकर के और वेद को प्रमाण मान करके। वैशेषिक का जो दूसरा सूत्र है उसमें उन्होंने बताया कि हम वेद को प्रमाण मानते हुए इस ग्रंथ में धर्मम व्याख्यास्यामः। और फिर उन्होंने अगले सूत्र में कहा यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः, जिससे दोनों की, केवल लौकिक जीवन की नहीं पारलौकिक जीवन की भी उन्नति हो। क्योंकि जो कर्मकांड आदि है उससे ठीक है लौकिक उन्नति तो होगी, हम धर्म आदि करेंगे पुण्य करेंगे तो हमें उसका फल मिलेगा, दान करेंगे तो कहते हैं धन बढ़ाना है तो दान करना चाहिए, तो दान करेंगे तो इस लोक का धन तो बढ़ेगा पारलौकिक धन भी बढ़े। ठीक है जिसको स्वर्ग जाना है तो अग्निहोत्र करे, लेकिन किसी को स्वर्ग से भी आगे उन्नति करनी है तो
तो फिर वो इस धर्म से और आगे बढ़े, स्थूल से सूक्ष्म धर्म की तरफ जाए। तो उसकी व्याख्या फिर आगे इन्होंने वैशेषिक दर्शन में की। अब वैशेषिक दर्शन में विशेष धर्म के बारे में तो व्याख्या कर दी ऋषि ने, लेकिन उस धर्म को हम, वो ही धर्म ठीक है ये हम कैसे माने? जो कणाद ऋषि ने विशेष धर्म बता दिया पदार्थों का, 9 पदार्थ बताए वहां पर उन्होंने, तो जो उन्होंने विशेष धर्म बताया वो ही ठीक है, इसको कैसे स्वीकार करें? तो फिर अगला न्याय दर्शन में उनको प्रमाणों से सिद्ध किया गया, और जो 9 पदार्थ थे उसमें उन्होंने 7 पदार्थ और जोड़ दिए, तो 16 पदार्थ ले लिए गौतम ऋषि ने। उसको तो माना विशेष धर्म को, वैसे ही माना उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि इनकी हम प्रमाणों से परीक्षा करेंगे कि जो विशेष धर्म और सामान्य धर्म 2 शास्त्रों में बताए हैं वो ठीक हैं या नहीं हैं। तो इन्होंने मुख्य रूप से जो न्याय दर्शन है गौतम ऋषि का, उसको प्रमाणों का शास्त्र कहा जाता है। प्रमाणों की, उसमें खुद प्रमाण की भी परीक्षा की गई, और फिर उन प्रमाणों के सत्य प्रमाणित होने पर वो जो विशेष धर्म थे उनकी भी परीक्षा की गई कि जो इन्होंने मोक्ष के बारे में बताया, स्वर्ग के बारे में बताया, धर्म के बारे में बताया, तो वो सब ठीक है या नहीं है। तो तीसरे नंबर पे फिर हम न्याय दर्शन पढ़ते हैं। अब हमें सामान्य धर्म के बारे में भी पता है, विशेष धर्म के बारे में भी पता है, वो विशेष धर्म प्रमाणों से प्रमाणिक भी हो गए हैं। अब उस विशेष धर्म को हम प्राप्त कैसे करें, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे पाएं उसको? स्थूल स्थूल पढ़ने से तो हमें उसका आत्मसात होगा नहीं, तो उसकी विधि को बताने के लिए चौथे नंबर पे आया फिर योग दर्शन। वहां उन्होंने बताया आप वैराग्य से, अभ्यास से, समाधि लगा करके, वृत्तियों का निरोध करके, कितनी सारी विधाएं बताई फिर महर्षि पतंजलि ने उस विशेष धर्म को प्राप्त करने के लिए। पहले ही बहुत उच्च स्थिति के यदि साधक हैं तो प्रथम पाद में उसका वर्णन कर दिया। अगर कोई मध्यम कोटि के साधक हैं तो द्वितीय पाद में उसका वर्णन कर दिया क्रिया योग के द्वारा। अगर किसी की रुचि सिद्धि आदि में है तो तृतीय पाद में उसको रास्ता बता दिया कि आप ऐसी साधनाएं करो, इससे सिद्धियां मिलेंगी और उससे इस अध्यात्म में आपकी रुचि होगी, आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर कोई कर्म करते हुए अपने कर्मों को ही कैसे एक पूजा के रूप में, भक्ति के रूप में, ज्ञान के रूप में बना सके, तो उसके लिए फिर चौथा पाद कैवल्य पाद बना दिया। तो हर प्रकार के मनुष्य की स्थिति को, मानव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सब व्यक्तियों के लिए दरवाजे खोल दिए उस विशेष धर्म को प्राप्त करने के लिए पतंजलि ऋषि ने। अब हम इसमें कैसे प्रवेश करें ये तो बता दिया, हमारे बारे में तो बता दिया, हमें सृष्टि के बारे में भी जानना है, इन दोनों का आपस में, ब्रह्मांड का और पिंड का समन्वय कैसे हो। तो फिर सांख्य दर्शन में संख्या सहित इस सारे सृष्टि चक्र की, ब्रह्मांड की रचना के बारे में सारा सांख्य दर्शन में बता दिया।